नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बेटा, आज मैं आपके लिए व्याकरण पाठ एक भाषा लिपि और व्याकरण लेके आई हूँ। आज मैं आपको भाषा और लिपि समझाऊंगी। व्याकरण हम कल समझेंगे। बहुत समय पहले आदमी जंगलों में, पेड़ों पर और गुफाओं में रहता था। उस समय उसे भाषा का ज्ञान नहीं था, तब वह संकेतों से अपनी भाषा दूसरों को समझाता था। आगे चलकर उसने अपनी बात समझाने के लिए गुफाओं की दीवारों पर कुछ निशान और चिन्ह बनाने शुरू कर दिए। ये निशान और चित्र ही लिपि चिन्ह बने और इनसे भाषा का विकास हुआ। जिस माध्यम के द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम होती है। आपको पता है, पहले जो इंसान थे वो है ना विचारों और संकेतों से बात करते थे, लेकिन जैसे ही वो बात करते थे आधी बात समझ में आती थी और आधी बातें समझ में नहीं आती थी। बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, क्योंकि पहले ना लिखने का और ना ही बोलने का कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं होता था। भाषा के भेद। हम अपने मन के भाव और विचारों को कभी तो मुख से बोलकर प्रकट कर देते हैं, कभी उन्हें लिखकर प्रकट करना होता है। इसी आधार पर भाषा के दो भेद होते हैं, एक मौखिक होता है और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा, जब हम अपने भाव और विचारों को मुख से बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भाषा के उस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मैं अब आपको बोलकर समझा रही हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ, ये एक मौखिक भाषा का अंग है। लिखित भाषा, जब मन की बात को लिखकर प्रकट किया जाता है तो भाषा के उस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हो, पत्र लिखते हो, निबंध लिखते हो, मैसेज लिखते हो, वो सब क्या होता है? एक लिखित भाषा होता है। लिखित भाषा के कौशल, भाषा का प्रयोग जिस जिस रूप में होता है उसे भाषा का कौशल कहते हैं। भाषा के कौशल चार होते हैं, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। राजभाषा, देश के कामकाज चलाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। हिंदी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। हमारे देश के सबसे अधिक लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं, इसलिए हिंदी को ही हमारे भारत की राजभाषा बताया गया है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा, जो भाषा कई देशों में बोली और समझी जाती है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। यह भाषा दुनिया के लगभग सभी देशों में बोली और समझी जाती है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। हिंदी में कई बोलियां प्रचलित है, जैसे हरियाणा में हरियाणवी, अवध क्षेत्र में अवधी, ब्रज क्षेत्र में ब्रज भाषा, राजस्थान में राजस्थानी, बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी, भोजपुर क्षेत्र में भोजपुरी, गढ़वाल क्षेत्र में गढ़वाली। भारतीय भाषाएं, अब हम आपको बताएंगे कि भारतीय भाषाएं कौन कौन सी होती हैं। हमारा देश बहुत विशाल है, इसमें कई भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। वे 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सैतालीस, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये सारी क्या है? भारतीय भाषाएं हैं। कितनी है ये? 22 है। विश्व के अन्य भाषाएं, अब जो हम आपको विश्व के अन्य भाषाएं बता रहे हैं आपको ये अपनी कॉपी में करना है, ठीक है? इनको लिखना है, पहले देश लिखना है, फिर भाषा लिखना है, उसके सामने उसकी भाषा लिखनी है। इंग्लैंड में जैसे अंग्रेजी बोली जाती है, रूस में रूसी, जर्मन में जर्मनी, चीन में चीनी, स्पेन में स्पेनिश। आपको इसी तरीके से अपनी नोटबुक में इनको लिखना है। इधर अमेरिका अंग्रेजी, जापान जापानी, फ्रांस फ्रेंच, अरब अरबी, इटली इटालियन। बोली, भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए विभिन्न भागों में लोग भाषा को अपने अपने स्थानीय विशेषताओं के अनुसार बोलने लगते हैं। भाषा के उस रूप को बोली कहते हैं। अब आप आते हैं लिपि पे। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं। ये चिन्ह ध्वनियों को प्रकट करते हैं। भाषा में ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां निम्नलिखित है। आपको इनको भी अपनी नोटबुक में इसी तरीके से करना है, जैसे पहले भाषा लिखी हुई है फिर उसके सामने लिपि लिखी हुई है। इधर भाषा जो है वो हिंदी है, उसकी लिपि कौन सी हो गई? देवनागरी। इधर मराठी हो गई, उसकी लिपि कौन सी हो गई? देवनागरी। आपको ये सारी की सारी भाषा और लिपि अपनी नोटबुक में सफाई के साथ करना है, ठीक है बेटा? और इनको लिखने के बाद आप इनको याद भी कीजिएगा, क्योंकि जब आपके एग्जाम होंगे या टेस्ट होंगे उसमें ये सब पेपर में आएगा। तो आपको जितना भी वर्क करना है उसको साथ के साथ याद करते हुए भी जाना है, ठीक है? ओके, धन्यवाद।